हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज का एक सम देखते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द बैलेंस शीट ऑफ राज एंड इंद्र एज ऑन 31 मार्च 2024 इज एज अंडर। देखो बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड पे सबसे पहले कैपिटल दिया है दोनों पार्टनर्स राज एंड इंद्र का, उसके बाद रिजर्व है, लायबिलिटीज में बैंक लोन, राज लोन, क्रेडिटर्स एंड प्रोविडेंट फंड दिया है। एसेट साइड पे गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक बैलेंस दिया है। नरेंद्र लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड टू टेक ओवर द बिजनेस अबव बिजनेस विथ एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द टर्म्स ऑफ बिजनेस परचेज आर एज फॉलोज। यानी ये जो राज एंड इंद्र का जो बिजनेस है वो बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए, परचेज करने के लिए नरेंद्र लिमिटेड का इनकॉर्पोरेटेड हुआ है। उसकी ऑथोराइज कैपिटल कितनी है? 75,000 इक्विटी शेयर्स की है, ₹10 ईच। टर्म्स एंड कंडीशन क्या डिसाइड हुए तो नीचे 6 पॉइंट दिया है। देखो पॉइंट नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म विल टू बी वैल्यूड ₹26,250। The company took over all the liabilities except Raj's loan and all the assets except investment. यानी कंपनी जो है all the liabilities accept कर लेती है, ठीक है, take over कर लेती है except Raj's loan। यानी राज का जो loan दिया है वो कंपनी take over करेगी नहीं, यानी इसे हमें consider करना नहीं है। एंड assets में all the assets except investment, यानी हमें यहाँ पर asset side पे investment भी take over करना नहीं है। नंबर 3, द एसेट्स वर वैल्यूड एज फॉलोज। फिक्स एसेट वर टू बी परचेज एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू। जितने भी फिक्स एसेट्स है उसका 20% ज़्यादा किनना है। स्टॉक टू बी परचेज एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू, स्टॉक का बुक वैल्यू से 20% लेस वैल्यू करना है। एंड डेटर्स टू बी टेकन ओवर विथ अ प्रोविजन ऑफ 10% फॉर बैड डेट। जितने भी डेटर्स है उनमें से 10% का बैड डेट का प्रोविजन करना है। नंबर 4, परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड इन 15,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स एट 10% प्रीमियम, 12% 1,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इन कैश। यानी कंपनी जो परचेज कंसिडरेशन कैसे पे करेगी उसका डिटेल दिया है। कंपनी इक्विटी शेयर पे करेगी प्रीमियम के साथ, डिबेंचर्स भी देगी और कैश भी पे करेगी। नंबर 5, आफ्टर परचेज ऑफ अबव बिजनेस कंपनी पेड 25% क्रेडिटर्स इन कैश। लायबिलिटी साइड पे जितने भी क्रेडिटर्स है उसमें से 25% जो है वो कंपनी पेड कर रही है। नंबर 6, आफ्टर द अबव ट्रांजेक्शन टू मेंटेन द क्लोजिंग कैश बैलेंस ऑफ ₹1,00,000 कंपनी इश्यूड नेसेसरी इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक विच वर ऑल टेकन अप एंड पेड। यानी कैश बैलेंस जो है वो लास्ट में क्लोजिंग ₹1,00,000 आपको रखना है कंपनी को। इसके लिए कंपनी नेसेसरी इक्विटी शेयर्स इश्यू करेगी, वो कितना है वो हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उसमें से हमें पता चलेगा कि कंपनी कितने रुपीस के इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रही है। ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र लिमिटेड एंड प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। यानी हमें यहाँ पर जर्नल एंट्रीज भी करना है और बैलेंस शीट भी रेडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन पे जाते हैं, उसके बाद उसका जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट देखते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में कैलकुलेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन यानी जो परचेज प्राइस है वो फिक्स करना है। अब कौन सी मेथड से करना है, हम जानते हैं कि दो मेथड है, ठीक है, एक कंसिडरेशन मेथड है, एक नेट एसेट्स मेथड है। तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 4 दिया है उससे डिसाइड होगा कि कौन सी मेथड से यहाँ पर परचेज प्राइस डिसाइड होने वाला है। देखो, परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड इन 15,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स एट 10% प्रीमियम। यानी इक्विटी शेयर कितने देना है उसका वैल्यू दे दिया है। डिबेंचर्स कितना देना है, 1,000 डिबेंचर्स ₹100 वाला एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इन कैश। यहाँ पर ऐसा दिया है रेस्ट ऑफ द अमाउंट इन कैश, बट कितना कैश कितना है वो यहाँ पे दिया नहीं है, रेस्ट ऑफ द अमाउंट टू बी पेड इन कैश। तो जब भी सब में ऐसा दिया हो, ठीक है, तो उस टाइम पे नेट एसेट्स वैल्यू का यूज होता है, नेट एसेट्स मेथड का यूज होता है। तो नेट एसेट्स मेथड में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें नेट एसेट्स कंसिडर
करना पड़ेगा, नेट एसेट यानी क्या, एसेट्स टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, एसेट्स टेकन ओवर, सबसे पहले कंपनी ने जितने भी एसेट्स टेकन ओवर किए उसका टोटल करेंगे, उसमें से कंपनी ने जितने भी लायबिलिटीज टेकन ओवर किए उसका टोटल माइनस करेंगे। तो वन बाय वन लेते जाते हैं। गुडविल, ये पुराने वाला गुडविल है या हमें कंसिडर करना नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट में दिया है, फर्म का है। नए गुडविल का वैल्यू दे दिया है पॉइंट नंबर वन में 26,250 रुपीज़, तो गुडविल का नया वैल्यू हम कंसिडर करेंगे 26,250 रुपीज़। देन बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू दिया है 2,25,000। अब पॉइंट नंबर थ्री में दिया है द एसेट्स वर वैल्यूड एज फॉलोज, एसेट्स का वैल्यू क्या लेना है, फिक्स एसेट वर टू बी परचेज एट 20% मोर देन दी बुक वैल्यू, जितने भी फिक्स एसेट है बुक वैल्यू से 20% ज़्यादा लेना है। तो बिल्डिंग फिक्स वैल्यू फिक्स एसेट में आता है तो उसका 20% ज़्यादा लेना है, तो 2,25,000 उसका बुक वैल्यू है, उसका 20% यानी 45,000 हम ऐड करेंगे, तो बिल्डिंग का जो वैल्यू आएगा 2,70,000। उसके बाद प्लांट, प्लांट भी फिक्स एसेट है तो उसमें भी 20% ऐड करेंगे, तो 62,500 बुक वैल्यू प्लस 20%, उसका 20% यानी 12,500 ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 75,000। देन स्टॉक, अब स्टॉक जो है वो फिक्स एसेट नहीं है, करंट एसेट है, तो स्टॉक के बारे में क्या बोला है देखो पॉइंट नंबर 3.2 में, स्टॉक टू बी परचेज एट 20% लेस देन दी बुक वैल्यू, उसका लेस करना है 20%, तो स्टॉक 87,500 है उसका 20% लेस करेंगे, 17,500 लेस करो, आपका आंसर आएगा 70,000। देन डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट दिया है 1,22,500, उसमें से क्या करना है डेटर्स का, तो पॉइंट नंबर 3.2 में दिया है डेटर्स टू बी टेकन ओवर विथ अ प्रोविजन ऑफ 10% फॉर बैड डेप, डेटर्स का जो अमाउंट है उसमें 10% बैड डेप का प्रोविजन करना है, तो 10% यानी 12,250 रुपीज़ लेस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,10,250 रुपीज़। कैश एंड बैंक बैलेंस के बारे में कुछ बोला नहीं है तो उसका बुक वैल्यू ही आएगा 60,000। ठीक है, तो इतनी एसेट्स कंपनी टेक ओवर कर रही है, इतने का टोटल करेंगे तो आपका टोटल आएगा 6,11,500। देन लायबिलिटीज, तो बैलेंस शीट में देखो लायबिलिटी साइड पे रिजर्व आए है, रिजर्व जो है वो लायबिलिटीज में आता नहीं है। उसके बाद बैंक लोन 1,25,000, तो बैंक लोन लिखेंगे 1,25,000। देन राज लोन, बट राज की लोन कंपनी ले नहीं रही है, देखो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में दिया है द कंपनी टूक ओवर ऑल द लायबिलिटीज एक्सेप्ट राज लोन, कंपनी ये ले नहीं रही तो हम इसे यहाँ पे नहीं लिखेंगे। देन क्रेडिटर्स 1,00,000, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट लिखेंगे 1,00,000। देन प्रोविडेंट फंड 52,500 यहाँ पर लिख देंगे, तीनों का टोटल करेंगे 2,77,500 आएगा। एसेट के टोटल में से लायबिलिटीज का टोटल जो है वो लेस करेंगे तो आपको परचेस कंसिडरेशन मिलेगा नेट एसेट्स 3,44,000, यानी कंपनी ने ये बिजनेस 3,44,000 में परचेस किया, टेक ओवर किया। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन जो आएगा वो पेमेंट का, पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन, यानी ये जो 3,44,000 जो है परचेस वैल्यू कंपनी कैसे पे करेगी। पॉइंट नंबर 4 में दिया है परचेस कंसिडरेशन इज टू बी पेड इन 15,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स एट 10% प्रीमियम, कंपनी 15,000 इक्विटी शेयर दे रही है, देखो तो इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000 शेयर, एक शेयर का वैल्यू कितना है, तो पैराग्राफ में दिया है कंपनी का एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज़, तो 15,000 शेयर 10 रुपीज़ के हिसाब से गिनेंगे 1,50,000 रुपया होगा। कंपनी ये शेयर 10% प्रीमियम पे दे रही है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 10% गिनेंगे तो 1,50,000 का 10% यानी 15,000। 12% डिबेंचर्स, 1,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच, तो 12% डिबेंचर्स, 1,000 डिबेंचर्स 100 रुपीज़, उसके हिसाब से टोटल आएगा 1,00,000। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट इन कैश, कैश का कितना है वो दिया नहीं है, बट द रेस्ट अमाउंट जो भी होगा डिफरेंस वो कंपनी कैश में पेड करेगी, तो कंपनी को टोटल कितना पे करना है 3,44,000। अब 3,44,000 में से 1,50,000 का शेयर कैपिटल दे दिया,
15,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम दिया, 1 लाख का डिबेंचर दिया, तो तीनों मिला के 2,65,000 हो रहे। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 69,000। तो जो डिफरेंस आ रहा है 69,000, क्या होगा, कैश, यानी कंपनी इतना कैश पे करेगी। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 6, आफ्टर द अबाउट ट्रांजेक्शन टू मेंटेन द क्लोजिंग कैश बैलेंस ऑफ ₹1 लाख, कंपनी इश्यूड नेसेसरी इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक विच वर ऑल टेकन अप एंड पेड। कंपनी ने क्या करना है, 1 लाख रुपीज़ जो है वो क्लोजिंग कैश बैलेंस रखना है। ठीक है, बट उसके लिए कंपनी क्या करेगी, इक्विटी शेयर इश्यू करेगी, नेसेसरी इक्विटी शेयर्स, पर कितने वो सब में दिया नहीं है, तो वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर कैश एंड बैंक अकाउंट, उसमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस यानी सब में बैलेंस शीट में जो दिया है वो कितना दिया है, 60,000। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, डेबिट साइड पे 60,000। ठीक है, उसके बाद अगर कंपनी में कैश आता है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, कंपनी अगर कैश पेड करती है, कंपनी में से कैश या बैंक अकाउंट जाता है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो देखो परचेस कंसिडरेशन में कंपनी ने कितना कैश पेड किया, 69,000। तो कंपनी में से कैश जा रहा है तो राइट साइड में यानी क्रेडिट साइड में लिखेंगे 69,000। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स को भी पे करना है। देखो पॉइंट नंबर 5 में दिया है, आफ्टर परचेज ऑफ अबव बिजनेस कंपनी पेड 25% क्रेडिटर्स इन कैश। क्रेडिटर्स को पे करना है, क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना है, 1 लाख, बट सभी को पे नहीं करना है, इसमें से ओनली 25%। अब 1 लाख का 25% कितना आ रहा है, 25,000। तो 25,000 आपने क्रेडिटर्स को पे कर दिया, तो राइट साइड में लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस कितना रखना है, पॉइंट नंबर 6 में बोला है क्लोजिंग कैश बैलेंस शुड बी ₹1 लाख। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस भी क्रेडिट साइड पे राइट साइड में लिखेंगे 1 लाख। तो जितना भी डिटेल था कैश एंड बैंक अकाउंट का हमने यहाँ पर अंदर एंट्री कर दिया। अब टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड पे होगा 1,94,000, वही डेबिट साइड पे भी लिख देंगे टोटल 1,94,000। अब डेबिट साइड में हमने एक ही एंट्री किया है ओपनिंग बैलेंस का, तो जो डिफरेंस आ रहा है 1,34,000, ये क्या होगा, इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स, यानी कंपनी इतनी अमाउंट का न्यू इक्विटी शेयर्स इश्यू करेगी 1,34,000 का। ठीक है, तो इतना यहाँ पर कैलकुलेशन इनफ है। अब हम जर्नल एंट्रीज पे जाते हैं, तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र लिमिटेड। सबसे पहला जर्नल एंट्रीज किसका होगा, कंपनी ने जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर किया उसका। तो हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया उसमें जितने भी एसेट्स कंपनी ने टेकन ओवर किया है वो डेबिट होगा, और जितने भी लायबिलिटीज कंपनी ने टेकन ओवर किया वो क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले गुडविल, तो गुडविल 26,250 रुपीज़ डेबिट होगा। देन बिल्डिंग, बिल्डिंग 2,70,000 यहाँ पर डेबिट होगा। बैलेंस शीट में जो दिया है वो वैल्यू लेना नहीं है, हमें जो उसका टेकन ओवर वैल्यू है उसे ही कंसीडर करना है। देन प्लांट 75,000 डेबिट होगा। देन डेटर्स 1,10,250 रुपीज़। देन स्टॉक 70,000, कैश एंड बैंक अकाउंट 60,000। तो इतने एसेट्स कंपनी ने टेक ऑन ओवर किया है। उसके बाद लायबिलिटी साइड पे जाते हैं, बैंक लोन 1,25,000, टू क्रेडिटर्स अकाउंट 1 लाख, टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट 52,500, एंड जो डिफरेंस आ रहा है 3,44,000, वो क्या होगा, परचेस कंसिडरेशन। तो ये किसको देना है, वेंडर्स को, सेलर्स को, क्या नाम है उसका, टू राज एंड इंद्र अकाउंट। तो जो पार्टनर्स है उनको ये पे करना है राजेन इंद्र अकाउंट 3,44,000। ठीक है, तो ये आपने एसेट्स और लायबिलिटी टेकन ओवर किया, उसका जर्नल एंट्रीज हो गया। उसके बाद परचेस कंसिडरेशन पे करना है, तो कैसे पे किया है 3,44,000, देखो कैलकुलेशन में देखो, चार आइटम दिया है परचेस कंसिडरेशन के बदले में, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर्स एंड कैश। तो देखो आपका सेकंड जर्नल एंट्रीज, राज एंड इंद्र अकाउंट डेबिट 3,44,000, जो आपका परचेस प्राइस था वो,
इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया, 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना दिया, 15,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 15,000। डिबेंचर्स 1,00,000 तो डिबेंचर्स अकाउंट 1,00,000। एंड रिमेनिंग जो था वो कैश में दिया, 69,000 टू बैंक अकाउंट 69,000। पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन, उसके बाद सब में ऐसा बोला था कि कंपनी ने क्रेडिटर्स को पे किया है। कितने क्रेडिटर्स को पे किया है, पॉइंट नंबर 5 में दिया था, आफ्टर परचेज ऑफ अबव बिजनेस कंपनी पेड 25% क्रेडिटर्स इन कैश। तो क्रेडिटर्स का वैल्यू 1,00,000 था, 1,00,000 में से 25% क्रेडिटर्स को पे कर दिया है। तो 1,00,000 का 25% कितना आएगा, 25,000। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000। यहाँ पे कंपनी में से कैश जा रहा है इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। लास्ट में कंपनी ने जो शेयर इश्यू किया उसका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था, कैश एंड बैंक अकाउंट बना के कितना अमाउंट का कंपनी ने शेयर इश्यू किया, 1,34,000 का। ठीक है, तो उसका जर्नल एंट्रीज आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 1,34,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,34,000 शेयर इश्यू टू पब्लिक। ठीक है, तो इतना जर्नल एंट्रीज हो गया। उसके बाद बैलेंस शीट पे जाते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में द बैलेंस शीट ऑफ नरेंद्र लिमिटेड, जो परचेसिंग कंपनी है उसके बुक्स में बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। अब सब में जो बैलेंस शीट दिया था वो पुराने फॉर्मेट में था, हमें उससे उसमें नहीं बनाना है, हमें नए फॉर्मेट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर, कंपनी ने कितने इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं। ठीक है, तो कंपनी ने जो इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हैं वो सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन में कंपनी ने 15,000 इक्विटी शेयर्स दिए थे। ठीक है, तो 15,000 इक्विटी शेयर जो है वो परचेज कंसिडरेशन में दिए इक्विटी शेयर्स, परचेज कंसिडरेशन में, प्लस कंपनी ने नए इक्विटी शेयर भी इश्यू किए कितने रुपीज़ के, 1,34,000 रुपीज़ के। तो 1,34,000 रुपीज़ के इक्विटी शेयर इश्यू किए और एक शेयर का प्राइस 10 रुपीज़ था। ठीक है, तो उसे 10 से डिवाइड करते हैं तो 13,400 इक्विटी शेयर जो है कंपनी ने पब्लिक को इश्यू किया, इश्यू टू पब्लिक। यानी टोटल जो इक्विटी शेयर्स है कंपनी के वो कितने हो गए, 28,400। तो 28,400 जो इक्विटी शेयर्स है वो हम बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं। तो देखो 28,400 शेयर्स 10 रुपीज़ ईच, तो वैल्यू आ रहा है 2,84,000। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर नहीं है कंपनी में, रिजर्व एंड सरप्लस सब में जो रिजर्व दिया था वो पार्टनरशिप फर्म का था, कंपनी ने टेक ओवर किया नहीं है, वो हम नए बैलेंस शीट में दिखाएंगे नहीं, तो रिजर्व एंड सरप्लस में और कुछ आएगा नहीं। बट परचेज कंसिडरेशन में कंपनी ने जो सिक्योरिटीज प्रीमियम पे किया था 15,000, वो सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट जो है वो यहाँ पर अमाउंट 15,000 रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, कोई प्रोविजन है, यस, तो यहाँ पर प्रोविजन में प्रोविडेंट फंड दिया है 52,500, तो उसे हम लॉन्ग टर्म प्रोविजन में दिखाएंगे, प्रोविडेंट फंड 52,500। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आएंगे, तो यहाँ पर बैंक लोन दिया था 1,25,000, तो बैंक लोन लिखेंगे 1,25,000। ठीक है, बट यहाँ पर डिबेंचर्स नहीं दिए थे, बट कंपनी ने जो परचेज कंसिडरेशन दिया उसमें डिबेंचर्स पे किए थे 1,00,000 रुपीज़ के, तो डिबेंचर्स भी यहाँ पर हम शो करेंगे 1,00,000 रुपीज़ के। तो ये आपके नॉन करंट लायबिलिटीज़ हो गए। उसके बाद करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स थे 1,00,000 रुपीज़, बट 1,00,000 में से आपने 25,000 को तो पे कर दिया, तो 25,000 आपका पे हो चुका है ऑलरेडी, बराबर यहाँ पर लिखा था पॉइंट नंबर 5 में, कंपनी पेड 25% क्रेडिटर्स इन कैश, यानी 1,00,000 में से 25% के हिसाब से 25,000 को आपने पे कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 75,000।
तो लायबिलिटी साइड पे इतना ही आएगा और कुछ लायबिलिटीज है नहीं। इनका टोटल करेंगे तो आपका टोटल हो रहा है 6,51,500, ये लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया। उसके बाद एसेट साइड पे जाते हैं, तो एसेट साइड पे सबसे पहले नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट्स, उसमें टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में आएगा आपका बिल्डिंग। बैलेंस शीट में जो दिया है उसका वैल्यू 2,25,000 है, बट हमें वो नहीं लेना है। कंपनी ने जो बिल्डिंग कितनी प्राइस में टेक ओवर किया है वो लेना है, तो उसका प्राइस था 2,70,000, तो बिल्डिंग में लिखेंगे 2,70,000। देन प्लांट 62,500 था, बट हमने प्लांट लिया 75,000 में, तो यहाँ पर लिखेंगे 75,000। ठीक है, तो ये आपका टेंजिबल एसेट्स हो गया। इनटेंजिबल में गुडविल का ओल्ड प्राइस लिखा था, ये लेना नहीं है। गुडविल का न्यू प्राइस जो था वो लेना है। गुडविल का न्यू प्राइस था 26,250 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका गुडविल हो गया। इनटेंजिबल में और कुछ है नहीं, तो नॉन करंट एसेट्स हो गया। अभी करंट एसेट्स में जाते हैं। सबसे पहले स्टॉक 87,500 था, बट स्टॉक का वैल्यू एक्चुअल जो था वो 70,000, तो हम 70,000 ले रहे हैं। कंपनी ने 70,000 में स्टॉक टेक ओवर किया है। देन डेटर्स, डेटर्स का वैल्यू 1,22,500 दिया था, बट उसमें से बैड डेट रिजर्व माइनस करने के बाद आपका जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 1,10,250 रुपीज़। तो डेटर्स का वैल्यू ये लिखेंगे। देन कैश, कैश एंड बैंक बैलेंस जो था वो 60,000 था, बट 60,000 अभी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पर वो चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि सब में दिया था कि कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना रखना है, 1 लाख। ठीक है, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस हम रखेंगे 1 लाख रुपीज़। तो एसेट साइड पे इतना ही डिटेल आएगा। इतने का टोटल करते तो आपका टोटल एसेट्स का वैल्यू होगा 6,51,500। ठीक है, जो लायबिलिटी साइड के टोटल से मैच हो रहा है।